हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से जिस भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड यस, विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। आई विश जो भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सबकी जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए और फिर आप ये गुड न्यूज़ मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। लेकिन यस, किसी भी एग्जाम को देने से पहले बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था कि DSSSB PRT की वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। अभी नहीं, जैसे अप्रैल से वैकेंसीज आ रही है, मैंने तब भी कहा था कि नहीं आएंगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरा अगस्त निकल गया, वैकेंसीज नहीं आई। अभी भी वैकेंसीज आने में टाइम लगेगा, आगे 10 दिन 15 दिन में आएंगी नहीं कह सकते, बट यस 1-2 महीने वैकेंसीज आने में लगेंगे। बट आप सब लोग एस्पिरेंट्स हैं तो आपको भी पता होगा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी 1 दिन में या 1 महीने में नहीं हो सकती, ठीक है। हमें बहुत पहले से पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ता है, तो यस बहुत सारे एफर्ट्स और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो उस वीडियो के बाद आप लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि DSSSB PRT की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेंगी, हम किस बुक में से पढ़ें, प्रतीक शिवालिक की बुक कैसी है या रोहित सर जो है उनकी बुक कैसी है, तो ये सारी चीज़ें आप मेरे से पूछ रहे थे, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी DSSSB की बुक्स मंगवाई हुई थी आप लोगों के ही कहने पर कि वो बुक्स कैसी हैं। तो अभी जो मेरे पास बुक्स हैं फिलहाल, मैं आपको अभी उन्हीं के बारे में ही बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे लास्ट वीडियो जो ये होंगी ना, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। तो आप जो पूछ रहे थे ना DSSB PRT के लिए कौन सी बुक्स चाहिए, तो अभी फिलहाल मेरे पास ये बुक्स हैं। अगर आपको किसी और भी बुक का रिव्यू चाहिए या फिर आपको जानना है कि वो बुक कैसी, तो आप पहले मुझे कॉमेंट्स में बता दो कि हमें ये बुक के बारे में बताओ, सो दैट मैं क्या करूँगी कि पहले उस बुक्स को मंगाऊंगी फिर उसका रिव्यू आपको दूंगी, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक ये DSSB PRT की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बुक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्रतीक शिवालिक सर की बुक है। इसमें क्या है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है DSSB PRT के, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं इनको चैप्टर वाइज सॉल्व किया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो है ही है, बट उनको चैप्टर वाइज क्वेश्चन किया हुआ है, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो 2014 से जितने भी पेपर हुए हैं, 2014 से लेकर अभी तक के सारे पेपर इसमें हैं। 45 चैप्टर सॉल्व वाइज आपको दिए हुए हैं, 2700 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, और ये सारा रिव्यू मैं दे चुकी हूँ पहले ही। तो बेटर होगा कि आप उन वीडियो को ज़्यादा देखें क्योंकि वो पर्टिकुलर एक वीडियो पे ज़्यादा थी, ठीक है। तो अगर आपको आपका बेस अच्छा है, आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी बनी हुई है साइकोलॉजी में, सारी एजुकेशनल साइकोलॉजी सब के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, लर्निंग थ्योरी सब बहुत अच्छे से करी हुई है, अब आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, मतलब आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस बुक्स को मंगा सकते हो क्योंकि करीब 2700 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। और ये भी आइडिया हो जाएगा कि अच्छा किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, हमारा चैप्टर में से या कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, क्योंकि पढ़ तो कभी कभी हम सब कुछ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन इतना डीप बन जाता है ना कि हम नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, गलती कर देते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है ना, तो MCQ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और आंसर की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी बहुत अच्छे से दी हुई है, तो एक बार आप देख सकते हैं। एंड यस, NIOS बहुत ज़रूरी है, मैं अभी भी बोलूँगी कि NIOS नहीं छोड़ना आपको, इसमें हो या ना हो डजंट मैटर, क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, बट NIOS तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। सेकेंड चीज़, सिर्फ मेरे कहने पर ना जाएं, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको सैम्पल PDF दी हुई है, मतलब जो ये बुक है इसमें कैसा कंटेंट है, कैसा कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी सैम्पल PDF दी हुई है, पहले आप खुद से चेक कर ले, अच्छे से पूरा तसल्ली कर ले, पूरा सेटिस्फाई हो जाए, और फिर आप बुकों को ऑर्डर कर सकते हैं, फिर मंगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बुक देख सकते हैं, प्रतीक शिवालिक की बुक है, और आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड बुक क्या है, वो भी प्रतीक शिवालिक की है, बट द बेस्ट थिंग इज की DSSSB प्राइमरी टीचर के लिए इसमें सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे बहुत सारे पहले रह चुके हैं, मैं भी रह चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ाई हुआ होगा, अगर 155-154 नंबर आ रहे हैं तो हम लोग ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए बुक ले सकते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी डाइट अभी लास्ट ईयर, इस साल डाइट खत्म होगी, बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, वो CTET के लिए प्रिपरेशन करेंगे, वो PRT की जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनकी पहले फाउंडेशन ही बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, तो उनके लिए ये बुक है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि नर्सरी टीचर और स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भी बुक है, इतना मुझे नहीं पता, हम DSSB PRT की बात करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें सारी थ्योरीज हैं, पूरी बुक है, मतलब कि इसमें पेडागोजी भी है, इसमें साइकोलॉजी भी है, इसमें टीचिंग मेथोलॉजी भी है, सारे क्वेश्चन इसमें आपको दिए हुए हैं, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
इवन लाइफ स्किल भी है, जो टॉपिक हमारे केवीएस में भी पूछे गए थे वो भी इसमें इंक्लूड है। जैसे एनसीएफ 2005 है, आरटी 2009 है, एनईपी 2020 है, एक्शन रिसर्च है, वर्क एजुकेशन इन स्कूल है, लाइफ स्किल्स है, सारे सब्जेक्ट्स की पैडागोजी है, ठीक है, कॉग्निशन एंड इमोशंस है, टीचिंग मेथड से काफ़ी सारे हैं। देखो ये कॉन्टेंट है इसका, ठीक है। अगर आपको ये बुक लेनी है तो आप देख सकते हो, सैम्पल पीडीएफ डाउनलोड करो, अच्छे से देखो, ठीक है, फिर आप बुक्स के बारे में सोचना। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको मिल जाएंगी एक जगह पर ही, तो काफ़ी मोटी बुक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और बाद में चैप्टर के बाद में, जैसे एक चैप्टर जब खत्म हो जाता है तो उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है, वो तो अभी आप पीडीएफ डाउनलोड करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये बुक मेरे पास नहीं थी, आप लोगों की जब मैंने ये वाली क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो डाली थी तो आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि इस बुक का रिव्यू दो, इस बुक को बताओ, तो मैंने स्पेशली बुक मंगाई थी सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। डेफिनेटली मैं भी पढ़ूंगी, बट मैंने मंगाई सिर्फ आप लोगों को जानना था कि ये बुक कैसी है, इस वजह से। तो इस बुक के जो कमेंट्स हैं या रिव्यूज़ है काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग वो भी देख सकते हो। तो अगर थ्योरी के लिए आपको चाहिए तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो बुक है मेरे पास, स्पेशली चाइल्ड पेडागोजी और टीचिंग मेथोलॉजी की, आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी इस पर ना डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको, रक्षाबंधन और ये जन्माष्टमी शायद ये त्योहार चल रहे हैं ना, मतलब है, तो इस पर आपको डिस्काउंट भी है। अगर आप एक सिंगल बुक लोगे तो सिंगल बुक का 30% है डिस्काउंट, और एक बुक्स का पूरा कॉम्बो आ रहा है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स सारी बुकें हैं, पांचों बुकें हैं, तो उस पर 40% डिस्काउंट होगा, ठीक है। सिंगल बुक पर 30% और कॉम्बो बुक पर 40% डिस्काउंट है, वो आप लोग जाके देख सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करना, देख लेना। तीसरी ये बुक मेरे पास थी DSSB की, मैथ्स की, DSSB की है, इसमें मैथ्स की है। जैसे साइकोलॉजी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए ना, इसमें DSSB PRT के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, सिर्फ मैथ्स का पोर्शन है इसमें, ठीक है, सिर्फ मैथ्स का पोर्शन उस टाइम से सारा सॉल्व किया हुआ है, चैप्टर वाइज बताया हुआ है, रिव्यू वगैरह मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार देख सकते हैं अच्छे से कैसी बुक है। और ये बुकें हैं मेरे पास DSSB PRT के रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई बुक का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दो, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग पहले एक बार खुद अच्छे से देख लें, फिर बुकें ऑर्डर कर लें, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से खरीद सकते हो। बाकी जिनके पास हो आप उनसे पूछ भी सकते हो कि कैसा है, क्या है, सारी चीज़ें, मतलब खुद को सेटिस्फाई होना ज़्यादा ज़रूरी है या किसी और पर बोलने के, ठीक है। तो एक बार आप सैम्पल PDF ज़रूर डाउनलोड करके देख लेना, और एनी क्वेरीज आप कमेंट